प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान हमीरपुर जिला के एनआईटी में स्थापित डीसीएचसी में आउटसोर्स पर कार्यरत 21 कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सीएमओ हमीरपुर के अधीन कार्यरत 21 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने कठिन समय में उनसे काम करवाया और अब उनको बिना बताए सेवाओं को रद्द किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही फैसला नहीं लिया जाता है तो आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमीरपुर के डीसीएचसी एनआईटी में कार्यरत 21 आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने कोविड राहत के समय अपने कार्यकाल को रद्द करने के खिलाफ रोष व्यक्त किया। आउटसोर्स कर्मचारियों का आरोप है कि अपने कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने के लिए कई बार प्रशासन व विधायक से मुलाकात कर चुके हैं, मगर उनकी मांगों पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि डीसीएचसी एनआईटी में 10 स्टाफ नर्सें, 8 क्लास 4 और 3 सैनिटाइजर सफाई कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे गए थे और इनको 1 माह के लिए नियुक्त किया गया था, जिससे बाद में बढ़ाकर 30 जून से 30 सितंबर तक किया गया। अब इन कर्मचारियों ने सेवा काल के विस्तार की मांग की है। जो कोविड-19 के समय रखे गए थे ना जून में, हमें 1 महीने के लिए पहले इन्होंने नियुक्त किया था, उसके बाद हमारा 2 महीने के लिए इन्होंने एक्सटेंशन पीरियड कर दिया था 30 सितंबर तक। तो अब उसके बाद हमारा एक्सटेंशन पीरियड अभी आगे नहीं गया है। जैसे कोविड ख़त्म हुआ है तो उन्होंने हमें एकदम से टर्मिनेट कर दिया है। तो हमारी बस इसी अपील को लेकर आए हैं कि हमारा एक्सटेंशन ही आगे बढ़ा दें, हमारा एक्सटेंशन थोड़ा आगे कर दें, हमारी ड्यूटीज़ कंटिन्यू कर दें। 30 सितंबर से ख़त्म है, बट आगे वैसे बोला गया था कि हमारी फ़ाइल आगे गई है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे पास हमारी एक्सटेंशन फ़ाइल का, कि एक्सटेंशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। हर जगह से यही बोला जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो हम मैम से बस वही अपील करने आए कि हमारा एक्सटेंशन करवा दें, मतलब हमें इस धोखे में नहीं रखे ना कि होगा होगा, और फिर हम ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं तो फिर इसलिए दिक्कत है। बस हम एक्सटेंशन के लिए आए हैं कि हमारी ड्यूटीज़ आगे बढ़ा दें, कंटिन्यू कर लें उसको। अभी तो हमारी ड्यूटीज ऑफ हैं, अभी हमारे 21 है पूरे टोटल 21। हाँ जी, 10 स्टाफ नर्स हैं, 8 क्लास 4 हैं और 3 हमारे साथ सैनिटाइजर सुपर हैं। पहले तो 1 ही महीने का था, लेकिन हमें बोला गया था कि एक्सटेंशन हो जाएगा, फिर 2 महीने का एक्सटेंशन हो गया था 30 सितंबर तक, उस 3 महीने का 3 महीने का एक्सटेंशन हो गया था। उसके बाद भी बोला गया था कि आपका एक्सटेंशन फाइल आगे भेजी हुई है शिमला मंजूरी के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब ही नहीं आया। पहले बोला गया था कि आचार संहिता है इसलिए 2 नवंबर को जवाब आएगा, फिर बोला 8 नवंबर को आएगा, लेकिन अब तो JCC की मीटिंग भी है 27, लेकिन हमारा एक्सटेंशन का कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिला है। मतलब किसी ने भी हमें ये नहीं बोला अभी तक कि हाँ आपका एक्सटेंशन साइन हो गया है या नहीं हुआ है, उस फाइल के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। अब हमें, हम 30 सितंबर के बाद बाहर ही हैं। मैं DCC NIT स्टाफ का स्टाफ हूँ, तो हमने यहाँ पर 31 तक, मतलब 30 तक यहाँ पर हमारी एक्सटेंशन के लिए बोला गया था, पर उसके आगे हमारा कोई भी, हमारा कोविड स्टाफ है बट कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया हमारा। हम 1.5 महीने से कभी MLA के पास जा रहे हैं, कभी कभी MLA के पास जा रहे हैं, काफ़ी मंत्रियों से मिले, पर हमारा कोई भी इसके लिए कोई भी जवाब नहीं दिया गया सरकार। तो हमारी चिंता का विषय यही है कि या तो हमें बता दिया जाए या तो हमारा एक्सटेंशन कर दिया जाए, तो हम भूख हड़ताल करेंगे। बहुत बार बात की तो उन्होंने भी यही बोला कि आपके यहाँ के फाइल भेजी गई है, पर अब तक इसका कोई भी निर्णय नहीं आया। हमने बहुत बार उनसे मिले भी, पर उन्होंने बताया कि कोई भी आगे सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया हमारा। तो अब यही है चिंता कि अब हम कहाँ जाएँ और किसके पास जाएँ।